गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे वी विल स्टार्ट 17 चैप्टर ऑफ योर बुक आवर गवर्नमेंट, पेज नंबर 93। लेट्स स्टार्ट। आवर गवर्नमेंट मतलब हमारी सरकार, ठीक है। आवर गवर्नमेंट इज़ वेरी वास्ट, हमारी गवर्नमेंट बहुत विशाल है। पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड एवरी रीजन हैज़ इट्स ऑन डिस्टिंक्टिव ट्रेडिशन्स एंड कस्टम्स। आवर कंट्री इज़ वेरी वास्ट, गवर्नमेंट नहीं सॉरी कंट्री, कंट्री मतलब हमारा देश बहुत विशाल है। पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, हमारे देश के डिफरेंट पार्ट में जो लोग रहते हैं, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। एंड एवरी रीजन हैज़ इट्स ऑन डिस्टिंक्टिव ट्रेडिशन, और हर रीजन जितने जो भी धर्म है उसके अपने ट्रेडिशन हैं, अपने कस्टम रीति रिवाज हैं, अपनी परंपराएं हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ सिंगल गवर्नमेंट टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच अ वास्ट कंट्री स्मूथली। ये एक गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल है कि वो इतने बड़े देश की को कि जो प्रशासन है उसको स्मूथली चला सके। दैट इज़ वाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोविज़न फॉर सेपरेट गवर्नमेंट एट टू लेवल्स। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में दो गवर्नमेंट्स जो है उसका प्रावधान है, नेशनल एंड स्टेट। एक तो नेशनल है और एक स्टेट गवर्नमेंट है। नेशनल लेवल गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज यूनियन गवर्नमेंट ऑफ और सेंट्रल गवर्नमेंट। जो नेशनल, हम नेशनल हमारी गवर्नमेंट है, केंद्र की जो हमारी गवर्नमेंट है उसको यूनियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। इट टेक्स केयर ऑफ द इंटायर कंट्री, ये पूरे देश का की देखभाल करती है, ध्यान रखती है, पूरे देश प्रशासन करती है। स्टेट लेवल गवर्नमेंट मीन्स एवरी स्टेट हैज़ इट्स ऑन गवर्नमेंट टू लुक इन टू द स्टेट अफेयर्स। और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उसका मतलब है कि जो हमारी स्टेट है, हर स्टेट है, हर स्टेट की अपनी एक गवर्नमेंट होगी। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी आर लुक्ड आफ्टर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी जो देखभाल है या उन पर जो शासन है, प्रशासन है, वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, उस पर शासन सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट के फंक्शंस क्या हैं, ठीक है, क्या क्या इसके कार्य हैं। एवरी गवर्नमेंट हैज़ थ्री फंक्शंस टू परफॉर्म, हर गवर्नमेंट के तीन फंक्शंस होते हैं परफॉर्म करने, काम करने के लिए। दीज आर मेकिंग लॉज, कानून बनाना, एग्जीक्यूटिंग लॉ, लॉ को जो कानून है उसको लागू करना, एंड गिविंग जस्टिस और न्याय देना। द यूनियन गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, यूनियन गवर्नमेंट जो है हमारी उसमें प्रेसिडेंट है, द वाइस प्रेसिडेंट, वाइस और उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति है, और द प्राइम मिनिस्टर हु हैड्स अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और हमारे प्रधानमंत्री हैं जो सारे मिनिस्टर के जो होते हैं हेड होते हैं, जितने मिनिस्टर्स हैं उनके हेड होते हैं। द इंडियन पार्लियामेंट और संसद मेक्स लॉ फॉर द होल कंट्री, जो हमारी इंडियन पार्लियामेंट है जिसको हम संसद भी कहते हैं, वहाँ पर कानून बनते हैं। द पार्लियामेंट हैज़ टू हाउसेज, द लोकसभा और लॉअर हाउसेज, द राज्यसभा और द अपर हाउसेस, ठीक है। लोकसभा लॉअर हाउस माना जाता है, दो हाउस होते हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा लॉअर हाउस है और राज्यसभा अपर हाउस है। द प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट हेड होता है यूनियन गवर्नमेंट का। ही सर्व्स फॉर अ टर्म ऑफ 5 years, वो 5 साल तक शासन करता है। द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट इज कैरिड आउट इन द नेम ऑफ द प्रेजिडेंट हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, और जो काम है वो उनके नाम पर ही होता है, जो हमारे संविधान के प्रावधान के अनुसार हमारे हेड हैं, हमारे देश के सबसे बड़े जो मतलब देश के राजा हैं। द प्रेजिडेंट लिव्स इन राष्ट्रपति भवन पर, प्रेजिडेंट जो है वो राष्ट्रपति भवन में रहते हैं। ही इज़ ऑल्सो द हेड ऑफ आर्म फोर्सेस, वो हमारी आर्म फोर्स जो है, हमारी जितनी हमारी तीन फोर्स हैं उन तीनों फोर्स के वो हेड होते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिपब्लिक, जो हमारी गणतंत्र देश है इंडिया है, इसके जो पहले हमारे थे वो थे राजेंद्र। नेक्स्ट टॉपिक है द प्राइम मिनिस्टर। द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया चूज देयर ऑन कैंडिडेट हु कंटेस्ट लोकसभा इलेक्शंस। लोकसभा इलेक्शन में जो जीतता है, तो जो हमारी डिफरेंट पॉलिटिक्स पार्टीज होती है उसमें उनका एक
सबके कैंडिडेट होते हैं. द पार्टी विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इलेक्टेड बाय द पीपल इज द मेजॉरिटी पार्टी. और जो लोकसभा में जो पार्टी ज़्यादा नंबर से जीतती है उसको हम मेजॉरिटी पार्टी में वो जो बहुमत में आती है वो पार्टी. द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इज श्रॉन इन एज द प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट. और जो लीडर होता है उस पार्टी का जिसकी ज़्यादा जो जीती पार्टी होती है जीतती है इलेक्शन में उसको प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है राष्ट्रपति के द्वारा. पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री. और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे. द जुडिशरी मतलब जो हमारी न्याय व्यवस्था है वो. द डिस्पेंसिंग ऑफ जस्टिस इज डन बाय द जुडिशरी और बाय द कोर्ट्स ऑफ लॉ. जो हमारा न्याय है उसको चलाने का प्रावधान जो है वो हमारे जो न्याय व्यवस्था है उसके ऊपर है. जो हमारे लॉ हैं कोर्ट हैं ठीक है हमारे जो कोर्ट हैं उनके ऊपर है जहाँ पे कानून जो है चलता है. एवरी स्टेट हैज़ सेवरल कोर्ट्स. हर स्टेट के अपने बहुत सारे कोर्ट हैं हर स्टेट में. देयर आर स्मॉल कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट. छोटे कोर्ट भी हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जिला लेवल के कोर्ट भी हैं. द सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाइएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस. जो सुप्रीम कोर्ट है वो सबसे बड़ा कोर्ट माना जाता है न्याय व्यवस्था का. द कोर्ट एट द स्टेट लेवल इज़ द हाई कोर्ट. और जो स्टेट लेवल का कोर्ट है वो हाई कोर्ट है. द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी रिव्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन न्यू दिल्ली. और जो डिसीजन होता है हाई कोर्ट का उसको दोबारा देखा जा सकता है दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में उसको देखा जा सकता है दोबारा उस पर डिसीजन लिया जा सकता है. डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर फाइनल. लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है. ओके बेटा दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर. ओके बाय.